वेलकम टू ओनली जैन रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट ज्वार डोसा, जो कि आप तिथि पे भी बना सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। डोसा बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे ज्वार का आटा। मैंने यहाँ पे हाफ कप ज्वार का आटा लिया है, जो कि फाइनली ग्राइंड किया हुआ आटा है। फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, और हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सूट पाउडर। आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिली, कैप्सिकम और टमाटो भी डाल सकते हैं, पर बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ डालना है हमें इसमें। आप इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हो अगर आपको पसंद है। फिर हम इसमें 1 कप पानी डाल के मिक्स करेंगे विस्कर के हेल्प से। थोड़ा थोड़ा करके पानी हम मिलाएंगे, साथ में नहीं, पूरा 1 कप पानी हमने यूज़ कर लिया है। फिर हम इसमें और 1/2 कप मैंने पानी ऐड किया है, मतलब 1/2 कप आटे के लिए हमें 1.5 कप पानी लगा है। मतलब अगर आप 1 कप ज्वार का आटा ले रहे हो तो 3 कप पानी यूज़ होगा। फिर हम यहाँ पे लेंगे नॉनस्टिक पैन में ये डोसा बना सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के पूरी तरह से इसे ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हम इसे वापस पोंछ लेंगे कॉटन के कपड़े से, और तवे को हम हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। गैस को एकदम गर्म होने देंगे। बैटर पोर करने से पहले हमें गैस एकदम फ्लेम एकदम गर्म होना चाहिए, तवा एकदम गर्म होना चाहिए। जब तक गर्म नहीं होता है तब तक हम वेट करेंगे। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम पानी पानी जैसा है, रनिंग बैटर होना चाहिए हमारा। तवा एकदम गर्म होने के बाद हम इसे बैटर पोर करेंगे। एकदम गर्म हो गया है हमारा तवा, अभी हम इसमें बैटर पोर करेंगे। साइड से हम पोर करेंगे, पहले साइड्स कवर कर लेंगे। आप देख सकते हो कैसे जालीदार बन रहा है हमारा। आप इसे धीरे धीरे प्रोसीजर से भी कर सकते हो, कोई घाई नहीं है, आराम से खड्डे भर सकते हो आप। इस तरह हम पूरा बैटर डाल देंगे, पूरा एक डोसा बना देंगे। इसे 2 मिनट तक हम ऐसे ही रखेंगे हाई फ्लेम तक। 2 मिनट के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे साइड में। अभी थोड़ा सा कुक हो गया है, फिर उसके बाद हम ऑयल डालेंगे साइड में, और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा कम, मीडियम पे हम फ्लेम रख लेंगे। हम साइड में ऑयल इसलिए डाल रहे हैं कि वो डोसा अच्छे से बाहर आए जब हम इसे निकालें। आप देख सकते हो ये, जब हमें इसको 2-3 मिनट तक पकने देना है और ऑटोमेटिक ये डोसा बाहर आ जाता है, साइड से छूट जाता है क्योंकि हमने तेल डाला था। जब वो हो जाए उसके बाद ही निकालना है। मतलब ये कम से कम इसमें 2-3 मिनट्स या 4 मिनट्स भी लग सकता है पहले डोसे के लिए, और ये हमारा क्रिस्पी डोसा रेडी है। ये डोसे को ग्रीन चटनी, पुदीना चटनी, टमाटो चटनी, कोकोनट चटनी, किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये रेसिपी बनाने के बाद आपको ये कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में टाइप